नमस्कार। आज हम क्लास ट्वेल्थ ज्योग्राफी बुक सेकंड इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी के चैप्टर्स के मैप को अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। आओ इन चैप्टर से संबंधित मानचित्र के टॉपिक फिलअप करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। वैसे तो पेपर में आउटलाइन मैप ही आएगा, तो हम आउटलाइन मैप पे ही सीखेंगे। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य दर्शाइए। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य ये वाला राज्य है सिक्किम। देन पूछा गया है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य दर्शाइए। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य यहाँ पर है बिहार। 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर रहते हैं सेंसस 2011 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य दर्शाइए। तो वो यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर। यहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट पूछा गया है कि राज्यों में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य दर्शाइए। किस राज्य में 2001 की बजाय 2011 तक सबसे ज़्यादा जनसंख्या इंक्रीज हुई। तो वो यहाँ पर है मेघालय। तो इस वाले राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक है, मेघालय। नेक्स्ट पूछा गया है कि सबसे अधिक नगरीय आबादी के प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक नगरीय आबादी का प्रतिशत, तो वो यहाँ पर है गोवा। प्रतिशत में है नगरीय आबादी के अनुसार गोवा। नेक्स्ट पूछा गया है कि सबसे कम नगरीय आबादी के प्रतिशत वाला राज्य, यानी जिस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या ग्रामीण है, तो वो राज्य यहाँ पर है, ये वाला राज्य है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर लगभग 90% से या 93% से ज़्यादा जनसंख्या ग्रामीण है, केवल 7-1% जनसंख्या नगरीय है। नेक्स्ट है सबसे अधिक नगरीय आबादी वाला राज्य। सबसे ज़्यादा नगरीय आबादी वाला राज्य यहाँ पर है महाराष्ट्र। गोवा जो है वो प्रतिशत में ज़्यादा है, महाराष्ट्र की ओवरऑल संख्या के अनुसार नगरीय आबादी सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट पूछता है कि सबसे कम नगरीय आबादी वाला राज्य है, वह राज्य जिसमें नगरीय आबादी सबसे कम है, तो वो भी सिक्किम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, नेक्स्ट चैप्टर है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन से रिलेटेड जो टॉपिक आपसे पूछे जा सकते हैं, वो पूछते हैं कि भारत का वह शहर बताओ जहाँ पर सबसे ज़्यादा अप्रवासी आते हैं। सबसे ज़्यादा अप्रवासी आते हैं यहाँ पर मुंबई में। सबसे ज़्यादा जो दूसरे राज्यों से प्रवासी पहुँचते हैं, तो वो मुंबई में आते हैं। फिर आपसे पूछा गया कि वह राज्य बताओ जहाँ पर सबसे ज़्यादा अप्रवासी आते हैं राज्यों में। तो राज्यों में सबसे ज़्यादा अप्रवासी आते हैं यहाँ पर पंजाब में। यहाँ पर एग्रीकल्चर लेबर के रूप में उनको काम मिल जाता है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अप्रवासी आते हैं। शहर में मुंबई और राज्यों में आप पंजाब दिखा सकते हैं, महाराष्ट्र भी दिखा सकते हैं आप। महाराष्ट्र में भी राज्य के अनुसार महाराष्ट्र भी आप दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वह स्थान बताओ जहाँ से सबसे ज़्यादा उत्प्रवासी जाते हैं, यानी जो वहाँ से बाहर चले जाते हैं। तो उन राज्यों में ईस्टर्न यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इसके अलावा वेस्ट बंगाल, इसके अलावा आसाम। तो इन सब एरिया से सबसे ज़्यादा उत्प्रवासी जाते हैं। तो प्रवास से संबंधित यही कुछ क्वेश्चन थे। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, इसमें मानव विकास। तो मानव विकास से संबंधित चैप्टर से जो टॉपिक पूछे जा सकते हैं मानचित्र पे, उनमें है सर्वाधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे वाला राज्य दर्शाइए।
तो वो राज्य यहाँ पर है उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहती है, लगभग 47% के आसपास। नेक्स्ट कह रहा दी स्टेट ऑफ हाईएस्ट लिटरेसी रेट, वह राज्य दिखाओ जिसमें साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो वो राज्य यहाँ पर है केरल। केरल में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। अगला पूछता है कि वह राज्य जहाँ पर साक्षरता दर सबसे कम है वो दर्शाइए। तो वो आप दर्शाएंगे यहाँ पर, वो राज्य है बिहार। बिहार में साक्षरता दर सबसे कम है। अगला पूछा है कि वह राज्य दर्शाओ जहाँ पर लिंगानुपात सर्वाधिक है, यानी वहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है। तो वो भी राज्य केरल ही है। इसके अलावा नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि वह राज्य दर्शाइए जहाँ पर लिंगानुपात सबसे कम है। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य सेंसस 2011 के अनुसार हरियाणा है। यहाँ पर पुरुष की संख्या ज़्यादा है, महिलाओं की कम है। नेक्स्ट पूछता है कि वह राज्य दर्शाओ जिसका HDI सबसे अच्छा है। तो केरल का HDI ही सबसे अच्छा है। ये HDI के अनुसार भारत का सबसे टॉप स्टेट है। नेक्स्ट पूछता है कि सबसे कम HDI वाला राज्य दर्शाइए। तो सबसे कम HDI वाला राज्य बिहार है। नेक्स्ट पूछता है कि अधिकतम स्त्री साक्षरता वाला राज्य दर्शाएं। तो अधिकतम महिला साक्षरता जो है वो केरल में ही, आप केरल ही दर्शाएंगे। नेक्स्ट है कि 40% से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से ऊपर वाले दो राज्य दर्शाओ, यानी जहाँ पर जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 40% से ज़्यादा जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहती है, यानी वो गरीब हैं। तो ऐसे दो राज्य बताओ। तो ऐसे दो राज्य, एक है बिहार और दूसरा है उड़ीसा। तो आप ये दोनों दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है मानव बस्तियाँ। तो इससे संबंधित पूछता है कि कुछ शहर दर्शाइए। जैसे आपसे पूछा गया है कि वाराणसी या काशी दर्शाओ। तो वाराणसी आप दर्शाएंगे। यहाँ पर है वाराणसी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में आप दर्शाएंगे वाराणसी। इसको काशी भी कहते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछता है कि प्रयागराज या इलाहाबाद दर्शाइए। ये यहाँ पर है इधर गंगा नदी के किनारे पर, प्रयागराज। गंगा और यमुना का संगम है। नेक्स्ट पूछता है कि कानपुर दर्शाइए। तो कानपुर इधर है। उससे आगे पूछता है कि लखनऊ दर्शाइए। लखनऊ, तो लखनऊ जो है यहाँ पर है गोमती नदी के किनारे पर। लखनऊ नवाबों का शहर है ये। उससे आगे पूछता है कि पाटलिपुत्र दर्शाइए। बिहार की राजधानी है पटना। तो पटना जो है वो, उसका पुराना नाम है पाटलिपुत्र। देन आपसे पूछा है मथुरा दर्शाइए। मथुरा, तो मथुरा जो है आपका यमुना नदी के किनारे पर है उत्तर प्रदेश में, मथुरा। देन पूछता है कि आगरा दर्शाइए। तो बिल्कुल इसके पास में ही है, मथुरा से थोड़ा सा आगे आगरा। ये भी यमुना नदी के किनारे पर ही है। देन आपसे पूछता है कि भोपाल दर्शाइए। भोपाल, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है यहाँ पर भोपाल। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि कटक दर्शाइए। कटक, तो कटक आपकी यहाँ है इधर उड़ीसा में, कटक। देन आपसे पूछा गया है कि अहमदाबाद दर्शाओ। अहमदाबाद यहाँ पर अखम्बाद की खाड़ी के पास, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे पर है अहमदाबाद। गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। देन पूछा गया है कि मंगलुरु दर्शाइए। तो बंगलुरु यहाँ है
कर्नाटका की राजधानी बंगलुरु। देन आपसे पूछा गया है कि हैदराबाद दर्शाइए, तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। नेक्स्ट पूछता है कि अमृतसर दर्शाइए, तो अमृतसर यहाँ पर है पंजाब में, गोल्डन टेंपल के लिए प्रसिद्ध हैं हरमंदर साहब। देन है जयपुर, जयपुर आपसे पूछा गया है, तो जयपुर हमें दर्शाना है, उसकी कैपिटल है ये, था आपका आगरा, तो जयपुर यहाँ है, पिंक सिटी के नाम से है जयपुर। राजस्थान जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है उसकी राजधानी है जयपुर। देन पूछा गया है कि नागपुर दर्शाइए, नागपुर यहाँ है, नागपुर भारत के बिल्कुल लगभग बीच में है, संतरों का शहर है ये, और इसको जीरो माइलस्टोन भी कहा जाता है, यहाँ से भारत की जो सड़क दूरियाँ हैं वो मापना प्रारंभ की जाती हैं। देन पूछा गया है कि कोलकाता दर्शाओ, तो कोलकाता यहाँ है हुगली नदी के किनारे पर, कोलकाता। देन आपसे पूछता है कि मुंबई दर्शाइए, मुंबई तो यहाँ पर है मुंबई, 7 टापुओं का शहर है मुंबई, भारत का सबसे बड़ा शहर है, कॉटन पैलेस ऑफ इंडिया भी कहलाता है, भारत का बॉलीवुड नगरी भी कहलाता है, रुपेले सपनों का शहर भी कहलाता है, गेटवे ऑफ इंडिया भी कहलाता है। देन आपसे पूछा गया कि चेन्नई दर्शाइए, तो यहाँ पर है चेन्नई, पुराना नाम मद्रास होता था। देन आपसे पूछा गया है कि सूरत दर्शाइए, सूरत तो यहाँ है खम्बात की खाड़ी के किनारे पर सूरत, इसके पास में ही डांडी नामक स्थान है जहाँ पर डांडी मार्च हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ से शुरू हुआ, तो ये है सूरत, हीरा नगरी कहलाता है, हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग सबसे ज़्यादा यहीं होती है। देन आपसे पूछा गया है कुछ औद्योगिक नगर दर्शाओ, तो कुछ औद्योगिक नगर दर्शाने हैं, तो उनमें पूछता है सबसे पहले कि जमशेदपुर दर्शाओ, तो जमशेदपुर यहाँ झारखंड के अंदर है, जमशेदपुर जमशेद जी टाटा हुए उनके नाम पर ये जमशेदपुर, पहले इसका नाम होता था साकची, 1907 में उन्होंने यहाँ पर फैक्ट्री लगानी प्रारंभ की, वो 1912 में चल गई थी, यानी उत्पादन शुरू हुआ, उसका नाम है टिस्को, आजकल इसको टाटा नगर कहते हैं। देन आपसे पूछा गया है भिलाई, छत्तीसगढ़ के अंदर है भिलाई, तो भिलाई में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसका कारखाना लगा हुआ है, लोहा इस्पात का सेल के कारखाने, दूसरे पंचवर्षीय योजना 1956-61 के बीच लगाए गए थे, ये छत्तीसगढ़ में है भिलाई, यहाँ पर सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का कारखाना। देन आपसे पूछा गया दुर्गापुर, तो पश्चिमी बंगाल में यहाँ पर है दुर्गापुर, तो दुर्गापुर में भी सेल का कारखाना है, ये भी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कारखाना यहाँ पर। देन पूछा गया है कि बरौनी दिखाओ, तो बरौनी जो है बिहार के अंदर है, बरौनी भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है, गवर्नमेंट की, सरकारी क्षेत्र की, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल शोधनशाला है बरौनी। देन आपसे पूछा गया कि सिंदरी दर्शाइए, सिंदरी जो है यहाँ पर है, इसमें ये भी झारखंड में है, उर्वरक का कारखाना है, पूरे एशिया का सबसे बड़ा सिंदरी। देन आपसे पूछा गया है कुछ प्रशासनिक नगर दर्शाओ, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है, जैसे गांधीनगर अहमदाबाद के बिल्कुल सटा हुआ, इधर अहमदाबाद है तो इधर गांधीनगर है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, बिल्कुल सटे हुए शहर हैं गांधीनगर और अहमदाबाद। देन है
चंडीगढ़। तो ये इधर दिल्ली है, तो यहाँ पर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है एक यूनियन टेरिटरी भी है और पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है चंडीगढ़। देन आपसे पूछा गया है भुवनेश्वर दर्शाइए, तो भुवनेश्वर इधर आप दर्शाएंगे। देन आपसे पूछा गया है दिसपुर, आसाम की राजधानी दिसपुर, तो वो आपने दिखानी है, आसाम वैली में है दिसपुर, ब्रह्मपुत्र नदी बहती यहाँ से। देन आपसे पूछा गया है कि खनन नगर दर्शाओ, उसमें पूछा गया है कि खेतड़ी दर्शाइए, तो जयपुर से थोड़ा सा पश्चिम में है खेतड़ी, तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी, तांबे की माइनिंग के लिए फेमस है। देन आपसे पूछा गया है कि झरिया दर्शाइए, झरिया, तो ये जो जमशेदपुर भुवनेश्वर जमशेदपुर है इसके पास में यहाँ पर है झरिया, झारखंड में ये कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देन आपसे पूछा गया रानीगंज, रानीगंज जो है इसके बिल्कुल ईस्ट में है पश्चिमी बंगाल में, रानीगंज ये भी कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देन आपसे पूछा गया है सर्वाधिक जनसंख्या वाला और सबसे बड़ा पतन, ऐसा पोर्ट भी हो और जिसमें जनसंख्या भी भारत में सबसे ज़्यादा हो, तो वो कौन सा है, तो वो है यहाँ पर मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी इसी शहर की है। देन आपसे पूछा है कि पूर्वी तट पर सर्वाधिक, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर, पूर्वी तट पे स्थित हो और पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर हो, तो वो है यहाँ पर हुगली नदी के किनारे पर स्थित कोलकाता, ये सबसे बड़ा शहर है पूर्वी भारत का। अगला है पाकिस्तान सीमा के सबसे निकट भारत का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है, पाकिस्तान की बाउंड्री के पास हो और सबसे बड़ा महानगर हो, तो वो यहाँ पर है अमृतसर, अमृतसर, जलियांवाला बाग वो भी यहीं पर है। देन है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर है इधर कानपुर, गंगा नदी के किनारे पर है कानपुर, चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कॉटन इंडस्ट्री भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश की, इसलिए इसको कॉटन पॉलिश ऑफ उत्तर प्रदेश भी कहा जाता है और ये चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। देन आपसे भू संसाधन तथा कृषि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं, कहता है कि चावल उत्पादक दो राज्य दर्शाइए, चावल उत्पादक दो राज्य, आप ये दिखा सकते हैं वेस्ट बंगाल और ये दिखा सकते हैं तमिलनाडु, दोनों में चावल होते हैं। देन आप से पूछा गया है कि गेहूं उत्पादक दो राज्य दर्शाइए, तो गेहूं उत्पादक दो राज्यों में एक पंजाब है और एक हरियाणा है, ये आप दर्शा सकते हैं। देन पूछता है कि कपास उत्पादक राज्य दर्शाइए, तो कपास उत्पादक में आप गुजरात दिखाएंगे और महाराष्ट्र दर्शाएंगे, इसके अलावा आप मध्य प्रदेश भी दर्शा सकते हैं। देन आपसे पूछता है कि जूट उत्पादक दो राज्य दर्शाइए, तो जूट उत्पादक में एक वेस्ट बंगाल दिखाएंगे, एक ईस्ट यूपी दिखाएंगे, ईस्ट यूपी, इसके अलावा आप यहाँ पर आंध्र प्रदेश दर्शा सकते हैं, तो इन तीनों के अंदर जूट होता है। देन आपसे पूछा गया है कि मोटे अनाज उत्पादक दो राज्य दर्शाइए, तो मोटे अनाज में आता है ज्वार बाजरा मक्का आदि, तो आप इसमें दिखा सकते हैं मध्य प्रदेश दिखा सकते हैं, इसके अलावा गुजरात दिखा सकते हैं, इसके अलावा राजस्थान दिखा सकते हैं, ये आप दो तीन राज्य महाराष्ट्र भी आप इसमें दर्शा सकते हैं, तो ये है मोटे अनाज, ये सारा एरिया मोटे अनाज से संबंधित हैं, मोटे अनाज,
ज्वार बाजरा और मक्का आदि। देन आपसे पूछा गया है झूम खेती का एरिया दर्शाइए, ऐसे राज्य दर्शाओ जहाँ पर झूम खेती होती है। तो आप ये वाला बेल्ट आप दिखा सकते हैं, झूम खेती, इन सब में झूम खेती की जाती है, यानी स्थानांतरित खेती है ये, जो नॉर्थ ईस्ट में झूम कहलाती है। देन आपसे पूछा गया है कि चाय के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र दर्शाइए। तो चाय के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में आप दिखाएंगे, एक तो ये वाली जो बेल्ट है यहाँ की, ये वाली बेल्ट यहाँ पर है, सिलीगुड़ी है, इसके अलावा यहाँ पर जो है दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी एक जगह का नाम यहाँ पर, इसके अलावा यहाँ पर आप आसाम वैली के अंदर भी दिखा सकते हैं, इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, आसाम के अंदर आसाम वैली ब्रह्मपुत्र घाटी में आप चाय दिखा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ झारखंड में रांची पठार है, रांची पठार पर भी चाय होती है। इसके अलावा यहाँ पर आप दिखा सकते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ, तो यहाँ पर भी होती है। इसके अलावा यहाँ थोड़ी बहुत उत्तराखंड में, हिमाचल में और कश्मीर वैली में भी चाय हो जाती है। तो आप ये सारे एरिया टी प्लांटेशन में दर्शा सकते हैं। देन आपसे पूछा है कि भारत में कॉफ़ी या कहवा उत्पादक राज्य दर्शाइए। तो कहवा उत्पादक राज्यों में सबसे प्रमुख है कर्नाटका, कर्नाटका जो है वो यहाँ पर सबसे प्रमुख है। इसके अलावा यहाँ पर कार्डेमम हिल्स या नीलगिरी हिल्स पर भी थोड़ी बहुत कहवा होती है, तो ये आप दिखाएंगे। देन आपसे पूछता है कि ज्वार उत्पादक सबसे बड़ा राज्य दर्शाइए। तो सबसे ज़्यादा ज्वार होती है वो है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ज्वार होती है। चावल गेहूँ के बाद ज्वार जो है वो तीसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। देन आता है मूंगफली उत्पादक सबसे बड़ा राज्य, मूंगफली उत्पादक राज्यों में यहाँ पर है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा मूंगफली होती है। मूंगफली जो है वो खरीफ ऋतु की फसल है और इसको खाने में प्रयोग किया जाएगा सर्दियों में, बहुत ज़्यादा इसमें तेल होता है, ये भी उसमें आएगी अपना ऑयल सीड में, जिसको तिलहन फसलें कहते हैं। देन आता है जूट या पटसन उत्पादक राज्य दर्शाइए। तो पटसन जो है ये यहाँ पर होता है वेस्ट बंगाल में, और आंध्र प्रदेश में होता है, और पूरी उत्तर प्रदेश में होता है। देन इससे अगला नेक्स्ट चैप्टर है जल संसाधन। तो क्वेश्चन आता है इसमें भारत में सबसे ज़्यादा पुनर्भरण योग्य भूमिगत या भौम जल संसाधन किस नदी घाटी में है, किस नदी बेसिन में है। तो वो आप यहाँ दर्शाएंगे कि वो यहाँ पर गंगा नदी बेसिन में है, तो यहाँ आप दिखाएंगे ये गंगा बेसिन है। देन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सबसे ज़्यादा भौम जल उपयोग नदी बेसिन कौन सा है। तो वो यहाँ से एक नदी निकलती है इंडस, जो इधर बहती है अरब सागर की ओर, तो सिंधु नदी बेसिन में सबसे ज़्यादा भूमि जो जल संसाधन है उसका उपयोग किया जाता है, सिंधु बेसिन। इसी में यहाँ पर श्योक, नुब्रा, गिलगित, जासकर, ये नदियाँ इसकी सहायक हैं। इसके अलावा यहाँ से बहने वाली सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, वो सारी नदियाँ भी इसी में जाकर मिल जाती हैं, तो ये वाला बेसिन। देन आपसे पूछता है कि भारत में सबसे कम भौम जल उपयोग नदी बेसिन कौन सा, यानी जिस नदी में जो पानी है उसका सबसे कम यूज होता है। तो वो यहीं से मानसरोवर झील के पूर्व से ही लगभग निकलती है सांगपो नदी, जो नामचा बरवा के चक्कर काटकर भारत में प्रवेश करती है, और वो गंगा से मिलकर सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा। तो यहाँ पर जो नदी बहती है आसाम में या नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्र, उसमें सबसे कम जो पानी है वो यूज होता है। देन आपसे पूछा है कि भारत के प्रमुख लैगून लेक दर्शाइए। लैगून ऐसी होती है जैसे हमारे हाथ में ये कट है, तो पश्च प्रदेश इसको बोलते हैं, जैसे ये वाला प्रदेश है, ये है चिल्का, भारत की सबसे बड़ी
लैगून लेक है, चिल्का झील। उड़ीसा में है, खारे पानी की झील है, यानी लवणीय पानी की झील है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, आंध्र प्रदेश के अंदर कोलेरू झील दर्शाइए। तो कोलेरू लेक लगभग यहाँ पर है, कोलेरू। गोदावरी और कृष्णा के डेल्टाओं के बीच में। देन है पुलिकट, तो पुलिकट आपने बताना है यहाँ पर है, ये भी आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट लेक, पुलिकट झील। देन आपसे पूछा गया है वैबनाद, तो वैबनाद यहाँ पर है केरल में, वैबनाद झील, इसको कयाल भी बोलते हैं, वैबनाद कयाल, ठीक है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा है डैम कि भाखड़ा डैम दर्शाओ। तो भाखड़ा डैम जो है वो सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है, तो हिमाचल प्रदेश में आप दिखाएंगे यहाँ पर है भाखड़ा, पंजाब के बिल्कुल पास में ही है, भाखड़ा बांध, भाखड़ा डैम, इसके नीचे 10 किलोमीटर नीचे नांगल डैम है जो पंजाब में है। देन आपसे पूछा है हीराकुंड डैम, तो हीराकुंड यहाँ पर महानदी बहती है ऐसे, तो लगभग यहाँ पर है हीराकुंड डैम, सबसे लंबा डैम है ये, 4 किलोमीटर के आसपास लंबाई है इसकी, हीराकुंड बांध, महानदी पर है उड़ीसा में, लंबाई ज़्यादा है, ऊंचाई तो ज़्यादा नहीं है। देन पूछा है दामोदर बांध, यहाँ पर एक नदी बहती है इधर से दामोदर नदी, तो उसकी कई सारी छोटी छोटी सहायक नदियाँ, उसके ऊपर 4-5 जगह डैम बनाए गए हैं जिसे DVC बोलते हैं, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि यहाँ पर दामोदर बांध है, दामोदर पश्चिमी बंगाल की सबसे प्रमुख नदी है, दामोदर बांध। देन आपसे पूछता है भारत की सबसे लंबी नहर दर्शाओ, तो सबसे लंबी नहर यहाँ से निकाली गई है, सतलुज नदी यहाँ आ जाती है भाखड़ा डैम से पंजाब में, और इधर से एक नदी और आती है ब्यास नदी, वो इससे मिल जाती है, हरीके बैराज से निकाली गई है सबसे लंबी जो नहर है वो, उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, ये भारत की सबसे लंबी नहर है, यहाँ हरीके बैराज है, हरीके बैराज से, बैराज का मतलब होता है पानी को रोकने के लिए एक हल्का सा उठान बना देते हैं नदी के रास्ते में, तो यहाँ से है ये राजस्थान में जाती है, ये राजस्थान में डेजर्ट में बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर इन सब ज़िलों में ये सेवाएं देती हैं। तो यहाँ तक के क्वेश्चन हमने मैप के इस आज के लेक्चर में सीखे, बाकी का कार्य हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।